मर्डर किसी का भी, हमारा देश महात्मा गांधी का देश है, फादर ऑफ नेशन। चींटी को भी मारना हमारे यहाँ अभिशाप समझा जाता है, चींटी भी नहीं मरना चाहिए। चक्कर में कितना एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग अपने को आहूत कर देते हैं, मर जाते हैं, गाड़ी टकरा जाती, बस टकरा जाती, नाले में गिर जाती है, नदी में गिर जाती है, केवल कुछ जानवरों को बचाने के चक्कर में। आनंद मोहन सिंह को केवल इस बात की सजा दी जाए कि वो राजपूत है, इस बात की सजा दी जा रही है। अच्छा, उसने हत्या नहीं की। बिहार के बाहुबली आनंद मोहन के लिए स्पेशल रूप से कानून में बदलाव होता है और बाहुबली बाहर आते हैं, जिसको लेकर विवाद शुरू हो जाता है। आईएएस लोबिस के खिलाफ है, तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिसने एक आईएएस की हत्या की हो, सिटिंग डीएम की हत्या की हो, उसके लिए कानून बदला जाना कितना उचित है और ये क्या प्रॉपर्टी ठीक है। आनंद मोहन की जो पीड़िता हैं, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया। डीएम की जो पत्नी है, उन्होंने भी सवाल उठाया। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह जी। डॉक्टर साहब, ये जो मामला आया सामने इस समय, बिहार सरकार के इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? बिहार सरकार ने अपनी सरकार की नीति के तहत बैठक करके इस कानून में बदलाव किया है और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, तो वो लागू भी हो गया है। इस तरह से उनकी अपनी पार्टी की विचारधारा रही होगी, कानून में बदलाव नहीं, पार्टी की विचारधारा नहीं, पार्टी की जरूरत आप कह सकते हैं। विचारधारा तो आनंद मोहन जो है लालू प्रसाद की विचारधारा के खिलाफ लड़ते रहे, हालांकि अब उनका बेटा उनकी पार्टी से विधायक है, तमाम चीज़ है उन्होंने निकाला, लेकिन ये जरूरत बताई जा रही है विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव जो आ रहे हैं, जो ठाकुर वोट बैंक है 6-7%, उनको अपने पाले में खींचने की कोशिश है। अब राजनीतिक दल हैं तो जातिगत राजनीति उनका करना मजबूरी भी है, उन्हें थोड़ी सबको करनी पड़ती है, अगर सबको न करनी पड़े तो वो भी न करें, अब उन्हें भी करनी पड़ रही है, तो इसलिए क्योंकि राजनीति देश, देखिए देश में जातिवाद आज भी है, सब कुछ है राजनीति में, संप्रदायवाद, भाषावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद तो है, लेकिन इससे मना नहीं कर सकते, लेकिन इस आधार पर कई बार बदलाव करने पड़ते हैं कानूनों में। माननीय मोदी जी ने 200 पुराने कानून में बदलाव किया, हटाए घटाए। कानून तो ये 26-27 क्रिमिनल्स को छोड़ने के लिए, कानून पुराने थे बदले गए वो ठीक है, कानून बदलने चाहिए, आप सुप्रीम कोर्ट में कानून बदलते हैं, कानून की व्याख्या होती है, लेकिन क्रिमिनल्स को छोड़ने के लिए कानून बदले तो ये कहाँ तक उचित है सर? नहीं, अब कानून जब बदलता है तो उसका किसको फायदा होता है, बढ़ता है कानून तो उसका किसको नुकसान होता है? देखिए, न्याय की प्रक्रिया, न्याय की प्रणाली ना जाति के आधार पर चलती है, ना क्षेत्र भाषा संप्रदाय के आधार पर चलती है, ना पार्टी के आधार पर चलती है कि राष्ट्रीय जनता दल क्या कह रहा है, लालू जी क्या कह रहे हैं, आनंद मोहन जी क्या कह रहे हैं, उनकी पार्टी क्या कह रही है, वो एक अलग विषय है सब, लेकिन विषय यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या कानून बदलना, बनाना, बदलना, उसमें अमेंडमेंट जरूरी था, बिहार के लिए जरूरी था। हाँ, यही तो सवाल है कि उस कानून को बदलने की जरूरत क्या पड़ी? तो आवश्यकता रही होगी निश्चित तौर पर। आप गोल गोल घुमा रहे हैं आप, मैं जो आप कानून का सवाल पूछ रहा हूँ, मैं वहाँ पर बता रहा हूँ, सारी चीजें पता है, लेकिन आप क्योंकि इस पर चीजें आप भी राजनीति कर रहे हैं, आप भी इस पर स्पष्ट नहीं जवाब देना चाहते। नहीं, मैं स्पष्ट, देखिए आनंद मोहन सिंह एक अच्छी छवि के राजनेता थे, अच्छी छवि के, पहले आदमी सुन रहा हूँ मैं जो कह रहे कि अच्छी छवि के आदमी, अच्छे छवि के राजनेता थे, और उन पर आरोप लगाया गया, एक हत्या का प्रकरण आया और भी कई प्रकरण आ जाते थे कि राजनीतिक सामाजिक जीवन में इस तरह के केसों से बचा नहीं जा सकता कभी भी, मतलब हत्या से बचा नहीं जा सकता, कभी भी किसी पर लग सकते हैं, कभी भी किसी पर लग सकते नहीं, हैं सर आप कैसे लग सकते हैं, आप पे कैसे लग सकता है? नहीं, अगर हत्या कोई करेगा तभी तो लगेगा, अगर मैं कुछ करूंगा तभी तो आरोप लगेगा, ऐसे थोड़ी ये डीएम की हत्या का मामला है। हाँ, ये बात आपकी सही है कि जिलाधिकारी से संबंधित मामला था, साउथ के थे और उनकी धर्मपत्नी भी इसका विरोध कर रही हैं, आईएएस लॉबी की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने भी मोदी जी से इस बारे में अनुरोध किया है, उनकी बेटी का भी, जो मृतक आईएएस थे उनकी बेटी का भी स्टेटमेंट आया है, उनकी संवेदनाएँ हैं और उनसे संवेदनाएँ शायद सभी को, मृतक की एक जिला संवेदना तो सर आनंद मोहन को भी, ये बात संवेदना से काम नहीं चलता, सजा से काम चलता है, सजा में जो कमी की गई है वो गलत है, ये तमाम लोग कह रहे हैं, उनकी पत्नी कह रही है, आईएएस लॉबी कह रही है। अब आईएएस लॉबी तो देखिए कहेगी, उनकी लॉबी की बात है, लेकिन अब दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, आनंद मोहन सिंह को चाहने वाले क्या कह रहे हैं, बिहार को जानने वाले क्या कह रहे हैं, बिहार को मानने वाले क्या कह रहे हैं, बिहार से प्यार करने वाले क्या कह रहे हैं, उनकी राजनीतिक पार्टी क्या, कई लोग कह रहे हैं कि गुंडा राज आने वाला है,
नहीं, उनकी किसी के कहने से तो गुंडा राज नहीं आता है। गुंडा राज तो चुना हुआ मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन रहे हैं साहब। आप कह रहे बिहार में गुंडा राज आ रहा है। नीतीश कुमार जी फ्लाइट पे, तेजस्वी यादव जी फ्लाइट लेते हैं, चार्टर्ड विमान उड़ के जाता है कहाँ, वेस्ट बंगाल, दीदी जी से मिलता है। दीदी कौन है, बंगाल वो भी पीएम, नहीं वो भी पीएम उम्मीदवार है। आगे चलिए, अभी तो मुख्यमंत्री जी हैं, अभी उम्मीदवार वो भी मुख्यमंत्री हो सकता है साहब। उम्मीदवार तो होने का सबको अधिकार, हमारा देश संवैधानिक अधिकार है, और उम्मीदवार होने की बात, चुनाव लड़ने की बात, आप घुमा रहे हैं, ये बताइए गलत हुआ ठीक, कहीं आप भी राजपूत हैं, ठाकुर समुदाय से हैं, इसलिए तो आप उस पर सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है आपका। राजपूत समाज से हूँ, अखिल भारतीय समाज क्षत्रिय समाज में पदाधिकारी, मुझे लग रहा है वही पहलू आप वो कॉर्नर आपके अंदर अभी, वो एक अलग विषय है, लेकिन साथ में डिफेंस काउंसिल भी हूँ, साथ में आईएएस अधिकारियों का भी मित्र हूँ, आईएएस अधिकारियों का भी समर्थक हूँ, आईएएस अधिकारियों के भी केस लड़े हैं, कितने आईएएस अधिकारियों को बनाने के लिए हमने केस लड़े हैं। तो कहिए ना कि गलत है तरीके से, नहीं छोड़ना चाहिए, आप ऐसे ऐसा बोलिए ना, ठीक है। कितनों को मंसूरी में ट्रेनिंग होने से रुकावट हो रही, तो इसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कितने आईएएस अधिकारियों, आईपीएस अधिकारियों, पीसीएस जे, उनको बनवाया है, आगे बढ़ाया है, उनके लिए काम किया, लड़ाई की। लेकिन जहाँ तक अब बिहार सरकार की बात है कि बिहार सरकार ने ऐसा बनाया, संशोधन किया उस कानून में, जिसकी वजह से आनंद मोहन सिंह को राहत मिली, ये चीज़ है, नोटिफिकेशन जारी हो गया। इसका मतलब उनकी पार्टी, उनके सभी विधायक बिहार विधानसभा में उनके साथ हैं, उनकी विचारधारा के साथ हैं, एक बात हो गई। आनंद मोहन सिंह पर डीएम की हत्या का आरोप है, आरोप नहीं सिद्ध हो चुका, आरोप नहीं कह सकते आप, सिद्ध हो चुका है, अपराधी दोषी हो गए, अपराधी हो गए, कन्विक्टेड हो गए, ठीक है। वो माननीय सांसद रहे इस देश के, इस देश की पंचायत में आनंद मोहन सिंह को बैठने का अवसर मिला, उनकी धर्म पत्नी लवली आनंद जी इस देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में सदस्य रही, यही इसलिए तो छोड़ा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में अगर 5-7% ठाकुर उनकी तरफ आ गई, MY समीकरण में अगर टी जुड़ गया, ठाकुर जुड़ गया, तो ये कहीं ना कहीं सीटों का फायदा हो, तो जुड़ा हुआ है। चेतन आनंद विधायक है, चेतन आनंद यहाँ जंतर मंतर पे एक बड़ा सम्मेलन आंदोलन किया था आनंद मोहन की रिहाई के लिए, तब तो विधायक भी नहीं था, इसका मतलब जनता चाह रही थी, पूरा जंतर मंतर भर दिया था लोगों ने, इसी आप भी गए थे। हाँ नहीं, जंतर मंतर तो बुलाया जाएगा तो जाने का फर्ज है, बनता वही बात निकल के आ रही ना, तो आप तो सपोर्टर रहे हैं ना, तो आप हम उस समय चेतन आनंद विधायक नहीं था। जेल में रहना किसी भी समस्या का इलाज नहीं है, बाहर रह के अगर सुधरता है, उसके जीवन में बदलाव आता है, मुख्य धारा में जुड़ता है, वो देश के काम आता है। जेलें बंद कर देनी चाहिए, फिर जेलें बंद कर दें, अगर कोई क्राइम कर रहा है तो बोला जेल कामयाब नहीं है। ये घटना 1994 की है, आज चल रहा है 2023, कितने साल हो गए, 23 और 6, 29 साल, लगभग 30 साल होने जा रहे हैं। इतने लंबे अरसे के बाद वो जेल में रहे, पनिशमेंट मिला, पूरा पनिशमेंट मिला, एक सांसद रहने वाला व्यक्ति, वो जनप्रतिनिधि भी तो रहे हैं, उनकी पत्नी भी तो जनप्रतिनिधि रही, उनका बेटा वर्तमान में विधायक, आप छोड़िए उसे, आप सही मानते हैं निर्णय को, नहीं निर्णय सही मानना मेरे मानने से निर्णय सही नहीं है, मैं मानता हूँ सही या मैं मानता हूँ, मैं लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं हूँ, आपसे बात लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर नहीं हूँ, मैं MLC लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नहीं हूँ, मैं MLC भी नहीं हूँ, वहाँ की बिहार सरकार में मंत्री नहीं हूँ, लेकिन वहाँ जो हुआ वो उन्होंने अपने, आप कह रहे राजनीतिक लाभ के लिए, लेकिन बिहार के लाभ के लिए भी तो निर्णय हो सकता है। वो 26 आनंद मोहन छूटे, उनके साथ 26 और लोग छूटे, उसमें यादव ज्यादा 16 के करीब 16-17 लोग यादव और मुस्लिम हैं, मुस्लिम हैं, मतलब वही राजनीति की जो तो जाति तो यादव छूटे, और उसमें से ज्यादातर जो लोग हैं सरकारी अधिकारियों के मर्डर के मामले में है। नहीं, सरकारी अधिकारियों का मर्डर किसी का भी, हमारा देश महात्मा गांधी का देश है, फादर ऑफ नेशन, चींटी को भी मारना हमारे यहाँ अभिशाप समझा जाता है, चींटी भी नहीं मरना चाहिए, अहिंसा का देश है, गांधी ने पूरी दुनिया में अहिंसा का संदेश। अब इस रास्ता क्या निकले, आप महात्मा गांधी तक, अहिंसा तक, धर्म तक, तमाम चीज़ों को छू रहे हैं, वर्तमान तक नहीं आ पा रहे। हम वर्तमान में ही हैं, वर्तमान में ही हैं, अहिंसा
आत्मक, देखिए हमारे देश में कितने एक्सीडेंट क्यों हो जाते हैं पता, गाय आनंद मोहन को नहीं छोड़ना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए, मैं ऑब्जेक्टिवली चक्कर में कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग अपने को आहूत कर देते हैं, मर जाते हैं, गाड़ी टकरा जाती, बस टकरा जाती, नाले में गिर जाती है, नदी में गिर जाती है, केवल कुछ जानवरों को बचाने के चक्कर में। तो हमारा देश अहिंसावादी है, किसी की भी हत्या गलत है, जिलाधिकारी की हत्या हुई, उनकी पत्नी के साथ संवेदनाएं हैं, आईएएस लॉबी के साथ संवेदनाएं हैं, उनकी बेटी के साथ संवेदनाएं हैं, जो भी जिनके साथ ऐसा हुआ है पद पर रहते हुए कार्य करते हुए अगर उनके साथ किसी के साथ भी ऐसी घटना होती है वो हमारे सबके ऊपर एक धब्बा है, हम मानते हैं इसको, इसे मना नहीं कर सकते, गलत है, किसी के मूल अधिकारों का हनन है। लेकिन अब इतने वर्ष तो वो जेल में रहे आनंद मोहन सिंह, इतने वर्ष जेल में रहने के बाद भी अगर कोई मुख्य धारा में जुड़ना चाहता है, अपने सामाजिक जीवन में बदलाव लाना चाहता है, उसका भी परिवार है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, जीवन है, इतना जिसका जिस महिला का पति चला गया वो कभी ना लौट कर आएगा, जिसका पिताजी चले गया वो नहीं आएगा, के साथ बहुत संवेदनाएं हैं, उस बेटी के साथ बहुत संवेदनाएं हैं, और मैं समझता हूं ये संवेदनाएं केवल हमें नहीं है, ये पूरे बिहार को नहीं है, ये केवल आनंद मोहन सिंह या आदरणीय लवली आनंद जी या चेतन आनंद जी को नहीं है, ये संवेदनाएं पूरे देश के लोगों से है। हमारा देश आईएएस लॉबी चलाती है, नेता आते हैं जाते हैं, सत्ता आती है जाती है, कभी बिहार में इधर मुख्यमंत्री होते हैं तो कभी माननीय मुख्यमंत्री इधर होते हैं, लेकिन अधिकारी वहीं रहते हैं, अधिकारी देश को चलाने का काम करते हैं, सरकार को चलाने का काम करते हैं, प्रदेश को चलाने का काम करते हैं, राजनीतिक अलग चीज़ है, लेकिन जो हमारे आईएएस लॉबी है, आईपीएस लॉबी है, जिनके जिम्मे देश चलाने की जिम्मेदारी होती है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, उनका भी अपना दायित्व है, और उनके दायित्व में किसी तरह की बाधा बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, किसी तरह का उनमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। मृत्यु हुई, मर्डर हुआ, दुखद है, बहुत दुखद है, सबको संवेदनाएं हैं, लेकिन अब इतने वर्ष हो गए हैं और बिहार सरकार चाह रही है, बिहार राज्य चाह रहा है, बिहार के विधायक चाह रहे हैं, बिहार के माननीय मंत्री चाह रहे हैं, सत्ता पक्ष चाह रहा है, साथ में विपक्ष भी चाह रहा है, क्या विपक्ष ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो अलग विषय है, विधानसभा में विपक्ष तो था जब ये नोटिफिकेशन विधेयक बना, इसमें अमेंडमेंट हुआ, विपक्ष तो था, विपक्ष ने क्या किया, नोटिफिकेशन जारी हुआ, विपक्ष ने क्या किया, ये सब सोचने की बात है। अगर ओवरऑल ज़्यादा लोग ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं कि सत्ता पक्ष ने तो अपने लिए फायदे के लिए ठाकरों की वोटों के लिए अमेंडमेंट किया, लेकिन क्या विपक्ष भी इस मामले पर सक्रिय है, वो भी इस मामले को लेकर मुखर है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और आप तमाम लोग राजपूत, देखिए ठाकुर वोट तो कहीं ना कहीं देता ही है, राजपूत मतदाता तो है इस देश का कि नहीं है, अब राजपूत होना गुनाह है, केवल आनंद मोहन को इमोशनल कार्ड मत खोलिए, आनंद मोहन सिंह को केवल इस बात की सजा दी जाए कि वो राजपूत है, इस बात की सजा दी जा रही है, अच्छा उसने हत्या नहीं की, वो अलग विषय है, लेकिन इसलिए कि राजपूत है इसलिए नहीं रिलीज किया जाए और वोटर बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, वोट बैंक की राजनीति हो जाएगी, बहन मायावती जी ने कहा है और लोगों ने कहा वोट बैंक की राजनीति, तो राजपूत उसकी तो दबंग ही सामने बोला कि मायावती को नहीं जानता, उसने कहा कि मैं मायावती को नहीं जानता, तो ऐसा हो सकता है इस देश में कोई जेल में रहने वाला व्यक्ति जो 30 साल लगभग जेल में रहा वो क्या जानेगा, वहाँ जो जेल में रहा हो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश चार बार रही हो, चार बार वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, बिहार की तो मुख्यमंत्री नहीं रही, प्रधानमंत्री तो नहीं रही, जनरल नॉलेज की बात उत्तर प्रदेश वाले जानेंगे ना, वहाँ वाले वकील साहब ये थे डॉक्टर एपी सिंह जो लगातार बचाव कर रहे थे आनंद मोहन का, लगातार तर्क दे रहे थे कि 15 साल बहुत होता है जेल में, और 30 साल का 15 साल रहा है, तो वो मामला अब क्योंकि लंबा वक्त बीच हो चुका और इसलिए इस सजा को लेकर जो निर्णय लिया गया सरकार का वो उचित है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।